भारत संतों और ऋषियों की भूमि है। इस पावन भूमि पर कई महान गुरुओं, संतों और विचारकों का जन्म हुआ। संत परंपरा में ऐसे ही एक महान संत हुए गुरु रविदास। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया गया। दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में गुरु रविदास जी विश्वपीठ द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। गुरु रविदास विश्वपीठ के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूरे समाज को गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को आत्मसात करना चाहिए और मानवता की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संत रविदास को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय संस्कृति, दर्शन और विचारधारा में गुरु रविदास के योगदान की प्रशंसा की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की सनातन शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुरु जी ने दलितों और वंचितों के उद्धार और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया। अपने पूरे जीवन काल में गुरु जी ने समाज में समानता और बंधुत्व की भावना की स्थापना हेतु उपदेश दिया ताकि कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी पीछे ना छूट जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुरु रविदास के विचार और दर्शन समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आज भी दैनिक जीवन में हमारा मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म उत्सव के कार्यक्रम देश भर में कई बार कई स्थानों पर आयोजन हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोग संत श्री रविदास जी के आध्यात्मिक ज्ञान से, उनके विचार से, उनके समाज के योगदान को स्मरण करते हुए, याद करते हुए हमारी कोशिश होती है कि हम उनके पद चिन्हों, उन पर राहों पर उनके विचारों को अनुसरण करें। ये भारत की धरती जो संत ऋषियों की धरती है, मुनियों की धरती है, आध्यात्मिक ज्ञान के गुरुओं की धरती है, महापुरुषों की धरती है और ये सबका योगदान इस समाज के अंदर मानव जाति के कल्याण, उद्धार और उसकी जीवन को प्रेरणा और संकल्प देने का काम करते हैं और इसीलिए ये जयंतियां उनको याद करते हुए उनके विचारों को, उनका सामाजिक योगदान को, मानव जाति के उनके कल्याण के उनके विचारों को आज भी देश और दुनिया के अंदर हमें मार्गदर्शन का काम करते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास के शांति और बंधुत्व के संदेश का स्मरण करते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हमें जाति और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता की भावना को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा ही हमारा धर्म होना चाहिए। संत शिरोमणि रविदास जयंती का जब जब भी उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है तो एक सामाजिक रूप से एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है। यह आंदोलन भक्ति का आंदोलन है, ये शक्ति का आंदोलन है, ये समाज को बदलने का आंदोलन है और इसीलिए जब पूरे विश्व में 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर समाज में बहुत उथल पुथल थी तब श्री मनोरंजन रविदास जी ने समाज को एक दिशा दी, विचार दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया और उसके साथ साथ भक्ति और शक्ति के एक नए युग की शुरुआत की।
संत रविदास जी का अधिकतम समय गंगा नदी के तट के नजदीक ऋषियों संतों के बीच में उनका गुजरा और उनका दर्शन इतने वर्षों बाद भी आज उनका दर्शन यथार्थ में लगता है। उनके दर्शन को आज भी इस लोकतंत्र प्रजातंत्र में भी समाज को लगता है कि समाज में सबको अन्न मिले, कोई भूख से न मरे, इसलिए उन्होंने विचार दिया था ऐसा राज चाहूं राज में जा मिले सबको अन्न। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उन्होंने गर्मजोशी भरे आतिथ्य सत्कार के लिए कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद किया और पूरे विश्व में गुरु रविदास के संदेश के प्रचार प्रसार के लिए उनके द्वारा किए जा रहे अथक प्रयास।